हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल जेपैक बॉयज। जैसे आप लोगों ने कैप्शन पढ़ा, वी हैव अगेन बॉट अनदर कार, अ रियर जेडीएम कार। तो अभी हम निकल रहे हैं अपनी मर्सी में टूवर्ड्स वर्कशॉप, क्योंकि वहाँ पे आ रहे हैं कशान भाई फ्रॉम दी इडियट्स, उनसे मिलेंगे। इतनी देर में मुनीब भाई आ जाएंगे MRS में, क्योंकि जो हमने गाड़ी खरीदी है वो है MRS की बहन, तो उसको लेके आ जाएंगे मुनीब भाई। तो हम फिर दोनों गाड़ियों में चलेंगे अपनी नई गाड़ी लेने। चलते हैं और शुरू करते हैं अपने आज का। सो बॉयज, गुड बाय टू द वर्कशॉप। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द प्लेस जहाँ पे हमारी गाड़ी है। वर्कशॉप से हमारा काम हो गया है, कशान भाई से हम मिल गए कि जनरेटर के बेयरिंग में थोड़ी सी आवाज़ थी, तो वो जो है वो अब गाड़ी ड्रॉप करेंगे तो उनका वो मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब हम जाने लगे हैं गाड़ी पिक करने, क्योंकि भाई गाड़ी बहुत ज़रूरी है। इतनी देर में जो हमने गाड़ी ख़रीदी है उसकी दूसरी बहन को लेके मुनीब भाई गाड़ी के पास ही पहुँच रहे हैं, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे आराइन को पिक, ठीक है, क्योंकि भाई अभी दो बंदे तीन गाड़ियां तो नहीं चलाएंगे, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फिर वहां जाके हम पुगम करेंगे, पुगम कि किसने कौन सी गाड़ी चलानी है। तो सीन जो है ना वो काफ़ी ऑन है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा भाई कमेंट में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मसला होता है यार, एक तो कंटेंट ना बनाओ तो मसला, वीडियोस नहीं डालते, वीडियोस डालो मज़ा आ रहा है कंटेंट देखने में तो मसला, इतनी गाड़ियाँ क्यों खरीद रहे हो। अबे भाई, आई यूज़ टू फ्लिप कार्स, ठीक है। फ्लिप कार्स और डीलर में भी फ़र्क होता है, ठीक है। फ्लिप कार्स इज़ मतलब मेरा प्रॉफिट नहीं है, मुझे अच्छा ऑप्शन दिखता है, सही है, मेरी गाड़ी अच्छे पैसों में बिक्री होती है, उसको बेच के मुझे और अच्छा ऑप्शन दिख रहा होता है, तो आई मूव टू अनदर कार, देन आई मूव टू अनदर कार। मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ और मेरे साथ साथ आप लोग अपना शौक पूरा कर रहे हैं। ये चैनल आपका और मेरा दोनों का शौक पूरा करने के लिए है। ये गाड़ियाँ मेरी और आपकी हैं, हम दोनों की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये शौक पूरा करने का ज़रिया और कुछ भी नहीं है, और मेरी नज़र में गाड़ी चीज़ों की कोई औकात नहीं है। सबसे पहले तो हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, उसके बाद फिर आती हैं गाड़ियाँ वाड़ियाँ दिस एंड दैट ना। तो सीन जो है ये है, गाड़ी हमें 4.6 का जो है वो माइलेज दे रही है, 5 तक चली जाती है माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। माशाल्लाह इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि 6200 सीसी के साथ 5 का माइलेज भी बहुत अच्छा लगता है। तो खैर बॉयज, चलते हैं अब हम अराइन को पिक करते हैं। सो बॉयज, ये रहा हमारा पहला पॉकेट रॉकेट, अभी हम आपको चेक कराएंगे दूसरा पॉकेट रॉकेट। हम हैं राइट नाउ टॉर्क गैराज पे, एरिया हमारी सी, ठीक है। तो अब हम अंदर चलते हैं, ज़रा मिलते हैं भाई से और फिर हम आपको बाकी सीन्स चेक कराते हैं। सो बॉयज, एज आई टोल्ड यू गाइज, हम मौजूद हैं टॉर्क गैराज पे। आपको हल्की सी गाड़ी दिख गई होगी शॉट में, खैर गाड़ी के सिनेमैटिक्स दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं, इनके पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न मशीनरीज मौजूद हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं नहीं जानता किसी और गैराज कराची में जो मौजूद हो जो इतनी ज़्यादा मॉडर्न मशीनरीज रखता हो। हमारे साथ एहसन भाई मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। कैसे एहसन भाई? एहसन भाई थोड़ा ज़रा मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आप टूल्स के बारे में बताएंगे, आपके पास क्या क्या मौजूद है, जैसे कि ये मैं देख सकता हूँ। सर, ये सबसे पहले एसी ऑटोमेटिक सर्विस, इसमें हमें एसी को खोले बगैर सर्विस करते हैं और हमारे पास 90% पॉजिटिव फीडबैक है। अरे आप नहीं बोले यार, सही बताएं, मतलब ये मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी और के पास ऑटोमेटिक एसी सर्विस मशीन हो। तो बेसिकली हमें कुछ भी नहीं खोलना पड़ता, डैशबोर्ड कुछ भी नहीं खोलना पड़ता, हमें सारी इसकी क्लीनिंग सब कुछ हमारे इसकी हाई और लो लाइन से होती है, हाई और लो लाइन से होती है। और बस हमने ये मशीन प्लग इन करनी है, ये आपका सारा कंप्रेसर का ऑयल, सारा कार्बन, और ये भी जो भी टॉप नॉच ब्रांड होता है उसी की लग रही है मुझे। और अगर हम फर्दर यहाँ पे आ जाएं तो ये लॉन्च का हमारे पास लॉन्च स्टेशन है, ठीक है। पाकिस्तान में दो हैं, एक हमारे पास है और एक लॉर्ड होंडा के पास। अच्छा, होंडा फूड के पास। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊपर कोई स्कैनर नहीं आता, इसके ऊपर कोई स्कैनर नहीं आता, ये टॉप नॉच स्कैनर एडास। अच्छा, अब एडास के ऊपर आ जाते हैं, एडास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। एडास जो है वो एडवांस ड्राइवर सिस्टम होता है, जिससे आपके जितने भी ब्लाइंड स्पॉट, ऑटो कोलिजन, लैंड टेंपरेचर कंट्रोल, LDA सब उस पे कैलिब्रेट किए जाते हैं, जितनी भी गाड़ियों में एडास सिस्टम है। ओके, तो आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं जिनमें आप लोग ये अक्सर इश्यूज फेस कर रहे होते हैं कि लेन डिपार्चर का मसला है, या फिर क्या नाम है आपका, वो रिडार वाली गाड़ियों का मसला है, रिडार का मसला है,
रिडार की प्रोग्रामिंग का मसला है, वो सारे मसले इनके जरिए सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ये आपने मुझे क्या बात बता दी है, मेरे पास लाहौर में एक अदद वैसल है जिसके अंदर रिडार का मसला है हसन भाई, ठीक है। ये अभी अभी मेरे जहन में आई है तो मैं ऑडियंस के सामने ही आपसे बात कर रहा हूँ। आपको अब आप मुझे बताएंगे वो लाहौर में मसला आप सॉर्ट आउट करके देंगे या मैं गाड़ी मंगवा के दूँगा। अच्छा, उसमें ना रिडार का कोई मसला है, रिडार की प्रोग्रामिंग आउट है, व्हाट नॉट, लोग बोलते हैं दूसरा रिडार डलेगा, बहुत कंफ्यूजन है। तो भाई मैं 3 महीने या 4 महीने हो गए और मेरे एक कजन है उनके पास होंडा वेजिल है जो कि इस मसले से दो चार है कि उनकी गाड़ी की जो कलेबरेशन है आपका रिडार की वो आउट हो गई है और हमें कोई नहीं मिल रहा। और पता नहीं यार एहसन भाई आप जहन में नहीं आए, मुझे पता था आपके पास सिस्टम मौजूद है लेकिन आप जहन में नहीं आए। तो वही अगर आप में भी कोई भी ऐसा है जिसको ये मसला पेश आ रहा हो तो इनकी जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो स्क्रीन पे आ रहा है, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप एहसन भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास इंजेक्टर की डीडीआई की भी है मशीन है। अच्छा, इंजेक्टर की भी क्लीनिंग मशीन, ताजा होते हैं ना। हाँ, जीडीआई वाली गाड़ी जो होती है वो आपको पता है वो होती है ज्यादा पीएस आएगी, उसमें हमारा एयर प्रेशर भी है, फ्यूल प्रेशर भी है, ठीक हो गया। जीडीआई वाली गाड़ियों में आपको पता है बहुत ज्यादा मसला आता है ऐसा ही तो है। उसमें आपके जो इंजेक्टर जो आपके अपने हैं उसके चांसेस होते हैं कि 50% वो उस चीज़ हो जाए, 50% वो चल जाए, डीजल के हो गए, आपको पता काफ़ी सारी मार्केट हो गई जीडीआई वाली, डीजल वाले भी नहीं, डीजल वाली अलग मशीन है, जीडीआई है, पेट्रोल वाली, डीजल वाली भी है आपके पास? डीजल वाली मशीन हमारे पास है, वो हमने ऑर्डर की, वो आ रही है, वो भी आ रही है। तो डीजल का तो बड़ा ही मसला है ना यहाँ, लेकिन डीजल में ज्यादा मसला ये होता है डीजल रिबिल्ड, इंजेक्टर को रिबिल्ड करना पड़ता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो भी हमारे पास सर्विसेज मौजूद है, तो माशाल्लाह बहुत सही सर्विसेज मौजूद है। तो अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए हो इस तरीके की, क्वालिटी काम चाहिए हो, तो आप इन भाई से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और भाई यहीं पर कराची में मौजूद हैं, टॉर गैराज नाम है, तमाम जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम आपको मजीद वेट नहीं कराते हैं क्योंकि ये लोग ना मुझे कर देंगे फ्राई, ठीक है, नीचे कमेंट्स में। अब हम चलते हैं और हम चल के आपको डायरेक्ट सिनेमैटिक शॉट चेक कराते हैं। सो बॉयज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब 2 पॉकेट रॉकेट हो गए हैं माशाल्लाह, 2 कन्वर्टेबल कार्स, दोनों रियर व्हील, और माशाल्लाह मेरे मालिक का बड़ा करम है कि मेरा मालिक ने इस केपेबल बनाया कि हम अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं। अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों के को इस केपेबल बनाए कि वो अपने शौक़ पूरे कर सकें, सब नेक हो जाए, ख्वाहिशात पूरी करें। सो बॉयज हियर इज़ अवर न्यू कार मियाटा, रियर व्हील ड्राइव, 1600 cc, 9-10 का माइलेज देती है, और क्या चाहिए ज़िंदगी से भाई। और माशाल्लाह कंडीशन का मैं इसका फ़ैन हो गया था जब मैंने गाड़ी देखी। तो इधर हमारे पास हमारी MRS मौजूद है। अच्छा, दोनों को बराबर में खड़ा कर रहा हूँ ना तो 19-20 का फ़र्क है दोनों के साइज़ में, टू बी ऑनेस्ट, ये देखें आप। और दोनों गाड़ियों का ना मतलब अपना शशका है, अपना अपना मज़ा है ना, सही है। मियाटा बहुत मतलब जो है ना राउंड है, ये थोड़ी सी जो है वो मस्कुलर है, और दोनों हैं एक ही अप्रॉक्सीमेटली लीक की गाड़ी। ये मिड इंजन होती है, मतलब इसका इंजन पीछे होता है जबकि इसका इंजन आगे होता है। इसमें 16 cc इंजन होता है, इसमें 18 cc इंजन होता है। दोनों गाड़ियाँ अलग ही नस्ल की हैं। इस गाड़ी में हमारे पास LSD डिफ है, कॉइल ओवर्स डले हुए हैं, और हमारे पास आफ्टर मार्केट व्हील्स लगे हैं। और ये रही हमारे पास हमारी गाड़ी की चाबी। मारखोर का कीचेन हमें मिल गया, ये कीचेन जाएगा मारखोर में, क्योंकि मारखोर में होना चाहिए ना मारखोर वाला कीचेन। ये बड़ा बेस्ट काम हो गया है, थैंक यू अफजल भाई फॉर द कीचेन। मेरी दूसरी गाड़ी का नाम मारखोर है ना, तो उसमें डालूंगा मैं एक ही चेन ना। सो ये आर अवर 2 कार, चलते हैं कुछ रोलिंग शॉट्स लेते हैं। सो बॉयज फाइनली हेयर वी आर इन मियाटा, और फ्यूल अप टाइम है, तो अब जो है वो हम फ्यूल डालने लगे गाड़ी में। पीछे हमारे साथ मौजूद है MRS, वो रही हमारी C63, चलते हैं राइड पे। बॉयज फाइनली हेयर वी आर इन अवर न्यू कार, Here is the MRS, here is the Miata, पीछे आ रही है C63। प्री अफ्तारी राइड्स आर गुड, प्लस मैनुअल कार्स, स्टिक शिप्स, दुनिया अच्छी है यार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ इज गुड।
तो भाई क्या कहते हैं, पसंद आई आपको गाड़ी? दिस इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट मियाटाज अवेलेबल इन द कंट्री, ठीक है। और इसके अलावा एक शायद आपका एक बॉय है पेशावर में, उस बॉय की मियाटा है विच इज़ वेरी क्लीन। इसके अलावा मतलब सुपर डुपर क्लीन एग्जाम्पल मियाटा की जो है ना वो इतनी खास मौजूद नहीं है। वो रही हमारी C63। चलते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ रोलिंग शॉट्स। वही हमने का एक्स्ट्रा गाड़ी हो रही है, हमने का मर्सिडीज पार्क करें और हम लोग MRS और मियाटा में ज़रा स्विचिंग करें। मुनीब भाई मियाटा ले गए हैं, मैंने कहा टायरों की हवा चेक करा लो और हम जाने लगे हैं MRS में। इट्स टाइम कि हम इसमें चलें और मुझे लगता है इसकी भी चाबी मुझसे छीनने वाली है। तो मुनीब भाई हमसे गाड़ी लेके ना हमें कटा के क्या किया ना, इसमें भर्रे देते हुए निकल गए, ठीक है। क्योंकि इन्हें पता था हमारे साथ भर्रे देंगे तो हम बोलेंगे ओए ओए ये कैसे चला रहे हो, ये कैसे चला रहे हो। अभी क्या करें ना, जो बड़े भाई होते हैं सारे ऐसे ही होते हैं। अकेले होने का फायदा, अकेले उठा के उसने होने का फायदा उठाया, मस्त टेले वेले मार के घुमा घुमा के लाके सकून से शरीफ बच्चों की तरह खड़ा हो गया ये। ऐसे मजा नहीं है मेरा भाई, ठीक है। और अब इतने तमीज से चला रहा है गाड़ी के कोई इंतहा नहीं है यार आज। मतलब जो 6:30 के टाइम तो रोड खाली हो जाते हैं जानी, कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक नहीं है आज, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। अब मुनीब भाई अब आगे नहीं आके दे रहे हैं यार, सिनेमैटिक्स भी लेने हैं, जल्दी आ जा मुनीब आगे। अब ऐसे टर्न पे जब मैं खड़ा होता हूँ तो सब लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, राई गाड़ी जाएगी साइडवेज। अब मैं थक गया था यार, मैंने कहा था थोड़ा सा जो है ना वो चिलिंग करें, हम कंटेंट बनाएं आप लोगों के लिए, वीडियो बनाएं। तो बॉयज आप लोगों ने हमें बताना है कि आप लोगों हमारी मियाटा कैसी लगी, ठीक है। और इन फ्यूचर आप लोग कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चाहते हैं कि हम लोग करें कमिंग टाइम्स में, ठीक है। द कार्स आई एम बाइंग दीज आर दोज कार्स जो मैं सालों से लेना चाहता था। पाकिस्तान में इम्पोर्ट पॉलिसीज बड़ी डिफरेंट हैं, तो ये वो गाड़ियाँ हैं जिनको मैं सालों से देख रहा था। और ज़्यादातर गाड़ियाँ जो मैं ख़रीदता हूँ मैं अपने दोस्तों से ख़रीदता हूँ क्योंकि हम सबके शौक एक जैसे हैं। तो लेकिन जो कराची के रोड है ना वो हमें गवारा नहीं करते। अराई की बहुत फट रही है, अराई मोबाइल छिन जाएगा, ठीक है। अब अराई बात तो सही है, मोबाइल की खैर नहीं है ना यार, जल्दी कर ले। सही है, ओके हो गया। हाँ बहुत बहुत ग्राउंड के ले रहे हैं, इनसे टेंशन नहीं लेनी है। उसको देखो टीलों पे जा रहा है वो ना, उसने इसने कहा मैं चेक तो करूँगी गाड़ी क्या बोलती है। खैर बॉयज़ तो आप लोगों ने बताना है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, गाड़ी कैसी लगी। अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। और जिस भी सियारे पे आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हो खुश हों आबाद हों, यही दुआएं आप लोगों के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। अब हम चलते हैं अफ्तारी करते हैं, अल्लाह हाफिज़।